तो जो भी बच्चे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को मालूम है कि आपका जो आईआईटी जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। फर्स्ट सेशन जो है वो आपका जनवरी में कंडक्ट करवाया जाता है जो कि आपका ऑलरेडी हो चुका है, एंड सेकेंड सेशन जो है वो आपका अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम वन्ना एंड टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल आईआईटी जेई एस्पिरेंट्स। तो जो भी बच्चे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को मालूम है कि आपका जो आईआईटी जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। फर्स्ट सेशन जो है वो आपका जनवरी में कंडक्ट करवाया जाता है जो कि आपका ऑलरेडी हो चुका है, एंड सेकेंड सेशन जो है वो आपका अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। 4th अप्रैल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था जो कि आपका 12th अप्रैल तक कंडक्ट करवाया गया था, एंड उसके साथ ही एनटीए ने जो है कुछ दिनों पहले ही आपका जो है आंसर की रिलीज कर दिया था। तो जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था जेईई मेन सेशन 2 का, उन सभी बच्चे जो है वो अपना आंसर की से आंसर्स मैच कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कल रात ही जो है एनटीए ने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है जेईई मेन सेशन 2 का जो रिजल्ट है वो आउट कर दिया है। तो जिन जिन बच्चों ने जेईई मेन सेशन 2 का एग्ज़ाम दिया था वो सभी बच्चे एनटीए की साइट पर जा करके अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। अब रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो एनटीए की साइट पर जाने के बाद आपने जो भी जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो प्रोवाइड कराया गया था उस नंबर से, या फिर आप अपने जो DOB है यानी डेट ऑफ बर्थ उससे जो है आप अपना जेईई मेन सेशन 2 का एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम्स का जो रिजल्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। तो जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो अपने रिजल्ट चेक कर लें, एंड उसके साथ ही आपको पता है कि आईआईटी जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो ऑलरेडी आ चुका है। 26th ऑफ मई आपका एग्ज़ाम है एंड इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 27th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होनी है। तो जो भी बच्चे एडवांस के लिए एलिजिबल है वो जाकर के अपना जो रजिस्ट्रेशन है जेई एडवांस के लिए वो अपना 27th ऑफ अप्रैल से करवा सकते हैं। थैंक यू।